नमस्कार दोस्तों, देखिए आज अपना समास का सेकंड पार्ट चल रहा है। कल अपने समास के कुछ बेसिक बात की थी, आज हम समास के भेदों की बात करेंगे। एक बार हम कल की बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि कल हमने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए थे। पदों की प्रधानता के आधार पर हमारे भेद हुए थे चार। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए समास की कुल संख्या के आधार पे, तो कुल संख्या के आधार पे समास के भेद होंगे छः। तो आज पहला, तो सबसे पहले देखें समास का पहला भेद, इसका नाम है आविर्भाव समास। आविर्भाव समास, आविर्भाव समास। देखिए आविर्भाव समास, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अव्यय क्या होता है, यानी वे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इस समास की शर्त यह है कि इस समास का पहला पद या दूसरा पद, कह सकते हैं पूर्व पद या उत्तर पद, क्या हो सकता है, अव्यय हो सकता है। अव्यय के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उपसर्ग हमारे होते हैं वो भी किसका काम करते हैं, उपसर्ग भी अव्यय का काम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसकी बात करें तो इसकी पहली विशेषता क्या बन जाती है कि अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पहली विशेषता। इसमें हम यह भी कह सकते हैं, हमें किताबों में मिलता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों ही हो सकते हैं, पूर्व भी हो सकता है। तो यहां पर अव्यय की अगर बात करें तो अव्यय पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो इसकी विशेषता क्या बन गई कि इस समास का पूर्व या उत्तर पद अव्यय होता है, यानी पहला पद भी हो सकता है अव्यय तो दूसरा पद भी अव्यय हो सकता है। यहां पर तीसरी इसकी बात की जाए तो तीसरी बात यहां पे है कि इस समास के अंतर्गत कि समस्त पद जो है वो भी अव्यय हो सकता है, यानी समस्त पद अव्यय होता है, ये भी इसकी विशेषता हो सकती है। दूसरी चीज यहां पे हम देखें कि इस समास के अंतर्गत कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी इस समास के अंदर हमें ये देखना है कि जो शब्द होते हैं एक ही शब्द यदि दोबारा वही आ रहा है तो वहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहां शब्दों की पुनरावृत्ति भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत पाई गई है, यह भी एक इसकी विशेषता बन जाती है। अगली बात यदि हम इसकी करें तो पांच नंबर पे देखिए यहां पे क्या होता है कि कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताने लग जाते हैं। अगर कोई उपसर्ग किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने लग जाता है तो वहां पर हम माने कि अव्यय भाव समास नहीं होता है, वो उपसर्ग क्या करेगा, अव्यय भाव के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि वो किसी विशेष्य की विशेषता बताने लग जाता है और जहां विशेष्य की विशेषता बताई जाती है वहां पे वो विशेषण बन जाता है, और विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें पता है कि किसमें होता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत होता है। तो देखिए कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे अपन बात करें कु उपसर्ग, कु सु, यानी ये जो उपसर्ग आ रहे हैं क्या हैं, सम कु सम महा, कु सु सम महा। अब दूसरे दूरे, ये जो उपसर्ग हैं ये यहां पर एक इसमें सत उपसर्ग की भी बात करें, जैसे सत या सदे उपसर्ग की बात करें, अगर ये उपसर्ग आ रहे हैं तो ये उपसर्ग आने के बाद हम ये माने कि यहां पर ये उपसर्ग क्या करेंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या करेंगे, विशेषता को दर्शाएंगे, और विशेषता को दर्शाने के कारण ये क्या करेंगे, उसकी विशेषता बताने के कारण ये विशेषण बन जाएंगे, और विशेषण बनने के कारण ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं, अव्यय भाव समास। यानी अव्यय भाव के समास के अंतर्गत न जा करके, अव्यय भाव समास में न होकर किसमें चले जाएंगे, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास
कर्मधारय समास के उदाहरण बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। ये बात अपन को ध्यान से देख लिए। एक बार फिर हम बात करें यहाँ पे, यदि कु सु सम महा दुस दुर सत या सद उपसर्ग आ जाए तो वहां पर हमें अव्यय भाव समास नहीं मानना चाहिए। वहां पर हमें क्या मानना चाहिए? कर्मधारय समास मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वहां कर्मधारय समास नहीं मानने का कारण क्या है कि अब ये जो है ये कु सु सम ये विशेष्य की विशेषता बताने प्रारंभ कर देंगे, और विशेष्य की विशेषता बताने के कारण क्या हो जाएगा कि ये किसमें चले जाएंगे, ये कर्मधारय के अंतर्गत चले जाएंगे। अब देखिए हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले हम इसके भेदों की जानकारी लें। जैसे अव्यय भाव समास के भेद, तो अव्यय भाव समास के भेदों की यदि हम बात करते हैं तो इसके दो भेद बनाए गए। अव्यय भाव समास के भेद, तो अव्यय भाव समास के भेद में हम देखें कि इसके भेदों की चर्चा यहां पे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका पहला जो इसका भेद होता है उसका नाम होता है नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास। तो नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है कि इस समास का, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या बनेगी, इस समास का, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद कोई संज्ञा शब्द होता है, कोई संज्ञा शब्द होता है, तथा दूसरा पद अव्यय होता है, दूसरा पद अव्यय होता है। ये यहां पर इसकी विशेषता बन जाती है। देखिए हम फिर बात कर रहे हैं कि नाम पद पूर्व, नाम का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, नाम, और नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। यदि किसी समास के अंदर पहला पद कोई संज्ञा के रूप में आ रहा है तो वहां पर वो अव्यय भाव समास बनेगा। लेकिन अव्यय भाव के भी हमने दो भेद किए हैं, तो यहां दो भेदों में पहला भेद होता है नाम पद पूर्व। तो पहला पद यदि संज्ञा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास। अब देखिए इसके उदाहरण किस प्रकार से मिलते हैं, इसके उदाहरण इस प्रकार से मिलते हैं। जैसे अपने पास शब्द आ गया अवसरानुसार, अवसरानुसार शब्द आया। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, अवसर प्लस अनुसार। तो ये क्या बन जाएगा, अवसर के अनुसार, ये टुकड़े की अपने इसके अवसर प्लस अनुसार, अवसर प्लस अनुसार। यहां पर ये देखिए अवसर जो शब्द है ये किस रूप में आया है, अवसर यहां संज्ञा के रूप में आया है, यहां किस रूप में आया है, संज्ञा के रूप में। और अनुसार जो शब्द है अनुसार यहां पर अव्यय है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम संज्ञा और इसको बोलेंगे हम अव्यय। तो हमें यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पहला पद जो है, दो पद आए हमारे पास अवसर और अनुसार। पहला पद क्या आया, संज्ञा आया, दूसरा क्या आया, अव्यय आया। और जहां पहला पद क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है, क्या कहलाता है, नाम पद पूर्व समास कहलाता है। तो अब यहां पर बात करें कि यहां पहला पद संज्ञा आया तो अब इसका विग्रह क्या बन जाएगा, अवसर के अनुसार, किसके अनुसार, अवसर के अनुसार। जैसे अपने पास ये शब्द आ गया विवाहो प्रांत शब्द आ गया। अब विवाहो प्रांत शब्द का सबसे पहले हम क्या करें, संधि विच्छेद करें, गुण संधि है यहां पे, तो क्या बन जाएगा, विवाह है प्लस, विवाह है प्लस उपरांत बनेगा। अब इस विवाह है प्लस उपरांत पे ये देखें कि यहां पर जो विवाह शब्द आया है ये किसका काम कर रहा है, यहां पर ये संज्ञा का काम कर रहा है। विवाह जो शब्द है ये यहां पर किसका काम कर रहा है, यहां संज्ञा का काम कर रहा है। उपरांत जो है ये किस रूप में आया है, ये अव्यय के रूप में आया है। हमारी शर्त क्या है कि पहला पद क्या होना चाहिए, हमारा पहला पद होना चाहिए संज्ञा, यहां पर दूसरा पद अव्यय, तो दूसरा पद क्या होना चाहिए, दूसरा पद अव्यय होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा अव्यय भाव का कौन सा भेद आ जाता है, नाम पद पूर्व समास की बात हो रही है तो नाम पद पूर्व समास बन जाता है। जैसे हम देखें शब्द आया समयानुकाल, समयानुकूल, इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, समय प्लस अनुकूल शब्द आया, समय प्लस अनुकूल। यहां पर क्या देखें, यानी समय यहां पर संज्ञा शब्द है, क्या है यहां पे, संज्ञा शब्द, और अनुकूल जो शब्द है वो क्या है, अव्यय शब्द है। और यहां पर हम ये देखें कि
पहला पद है वो क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है, दूसरा अव्यय आ रहा है। जहां पहला पद संज्ञा आ जाता है वो क्या कहलाता है, नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे शब्द आया मरणोपरांत, मरणोपरांत शब्द आया, तो यहां पर हम देखें इसका टुकड़ा करें क्या बन जाएगा, मरण प्लस उपरांत गुणसंधि हो गई। अब मरण प्लस उपरांत भी देखना है कि पहला पद जो मरण आया है, मरण क्या है यहाँ पे, मरण यहाँ पे संज्ञा है, और उपरांत जहां जो शब्द आया है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे अव्यय का काम कर रहा है, इसके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि पहला पद यहाँ पे संज्ञा है, और पहला पद संज्ञा होने के कारण यहाँ पे ये देखें कि इस समास का नाम क्या पड़ जाएगा, नाम पद पूर्व समास पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, यानी इसे अव्यय भाव समास के दूसरा जो भेद है उसका नाम है, दूसरे भेद की यहां पे बात करें वह नंबर पे देखिए, इसको बोलेंगे पूर्व अव्यय पद। पूर्व अव्यय पद यानी यहां पर शर्त ये होगी कि इस समास का पहला पद तो अब क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, और दूसरा कोई संज्ञा या अन्य हो जाएगा। तो देखिए इसकी विशेषता क्या बन गई, इसकी विशेषता यह बन गई कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है, तथा दूसरा पदे संज्ञा या अन्य शब्द होता है, या अन्य शब्द होता है। यह बात यहां पर अपन को ध्यान से देखनी है, यानी उसका ठीक विपरीत हो गया, उसमें संज्ञा शब्द पहले स्थान पे आ रहा था, और यहां संज्ञा शब्द है वो कहां चला जाता है, आगे वाले यानी दूसरे पद पे चला जाता है। इसके किस प्रकार के उदाहरण बनते हैं, इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि ये उदाहरण बनेंगे जैसे कोई अपने पहला पद उपसर्ग के रूप में आ रहा है, तो वहां पर मान लेना चाहिए कि वो अव्यय है। जैसे अपन बात करें प्रतिवर्ष की यहां पर बात करें, तो यहां प्रति जो है ये क्या है, प्रति उपसर्ग है, प्रति यहां पर क्या है, उपसर्ग है, और हमें पता है कि उपसर्ग है वो किसका काम करता है, उपसर्ग हमेशा अव्यय का काम करता है। हमारा पहला पद क्या हुआ, अव्यय हुआ। यहां वर्ष जो है किसका काम कर रहा है, ये संज्ञा शब्द का काम कर रहा है, ये संज्ञा का पहला पद यहां पर क्या आ गया, अव्यय आ गया, दूसरा पद संज्ञा आ गया। तो ऐसी स्थिति में अव्यय भाव समास का कौन सा भेद हो गया, यहां पर अव्यय भाव समास का भेद हो गया पूर्व अव्यय पद समास। जैसे अपने पास बात करें प्रतिशत, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है प्रतिशत। यहां पे देखना क्या है कि प्रति उपसर्ग है, और यहां सत क्या है, सत का मतलब होता है सो, यानी प्रत्येक सो, इसका विग्रह बना प्रत्येक सो। लेकिन अपन को यह देखना है कि यहां पर प्रति जो आ रहा है, प्रति क्या है, प्रति यहां पर किसका काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है, क्योंकि उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के कारण ये किसमें आता है, ये अव्यय के अंतर्गत आता है। जैसे अपन कहें प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष यहां प्रतिवर्ष में देखो वर्ष तो क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, और यहां पर हम बात करें किसकी, और यानी प्रतिदिन कर लो, प्रतिदिन के अंतर्गत भी क्या होगा, प्रतिदिन में देखें तो प्रतिदिन हर दिन हो जाएगा, यानी प्रति उपसर्ग जहां पर भी आ रहा है और पहले स्थान पर आ रहा है, तो वहां पर समास क्या बन जाएगा, पूर्व अव्यय पद समास बन जाएगा। देखिए इसके अलावा इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जैसे अपने पास आ गया बेशर्म शब्द आ गया, बेशर्म यहां पर यह देखना है कि यह बेशर्म शब्द है, इसमें बे उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, ध्यान दें बे किसका उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, तो यहां पे यह क्या हो जाएगा, शर्म रहित, ये क्या बन जाएगा, शर्म रहित शब्द बन जाएगा। जैसे अपने पास शब्द आ जाए, आजकल ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, निकम्मा शब्द आ गया, निकम्मा शब्द आया, तो यहां पर नी क्या है, नी हो गया यहां पर उपसर्ग, और नी क्या करेगा, यहां पे नी का अर्थ है नहीं, तो यहां पर ये हो जाएगा काम न करने वाला, निकम्मा का मतलब क्या हो गया, काम न करने वाला, यहां पे इसका विग्रह बन गया काम न करने वाला, और क्या बन गया, निकम्मा बन गया। एक आजकल कॉम्पिटिशन के अंदर ये पूछ लिया जाता है, जैसे निगोड़ा शब्द आ गया, निगोड़ा, अब यहां निगोड़ा शब्द में देखें नी जो है ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग किसका काम करता है, अव्यय का काम करता है। यहां घोड़ा जो शब्द है इसका मतलब होता है पैर, इसका अर्थ होता है पैर, तो बिना पैर के जो होता है वो क्या कहलाता है, निगोड़ा कहलाता है। तो यहां पर भी हम बात करें, जैसे शब्द आ गया अपने पास निडर, निडर शब्द आया, अब हमें ये देखना है कि निडर में क्या है, यहां नी का अर्थ है रहित या बिना, निडर कौन होगा, डर के बिना या डर रहित, लेकिन हमें ये देखना है कि नी क्या है,
नी यहां पर उपसर्ग है और उपसर्ग होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर पूर्व अव्ययपद समास है। कुछ जगहों पे हमें ये भी देखते हैं कि जैसे सह उपसर्ग लगा करके भी दे दिया जाता है, जैसे सह परिवार शब्द आ गया तो यहां सह परिवार में सह उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों क्या है कि सह का जो प्रयोग किया गया है वो बहुवरी में भी किया गया है। हम बहुवरी की जब चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इसका एक बहुवरी का उदाहरण माना गया है और वहां सह उपसर्ग को काम में लेकर के बहुवरी के उदाहरण बनाए जाते हैं। लेकिन हमें ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हमें अव्ययभाव समास का वहां पर ऑप्शन मिलता है, विकल्प मिलता है, तो उस विकल्प में हमें क्या करना चाहिए, अव्ययभाव समास को ही करना चाहिए। अगर अव्ययभाव समास का कोई विकल्प वहां पर हमें नहीं दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें वहां पर क्या करना चाहिए, बहुव्रीहि समास कर देना चाहिए। अब देखिए कुछ इसमें क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी होते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति वाले, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। यहां पुनरावृत्ति कैसे होती है, पुनरावृत्ति हो सकती है कि वो अधूरी भी हो सकती है और पूर्ण रूप से भी हो सकती है, तो दोनों ही चीजें होती हैं। जैसे अपने पास शब्द आ जाए, समास पद आ जाए, जैसे पल पल, तो पल पल में क्या देखना है, यहां पे एक ही शब्द है वो दोबारा आया है। एक ही शब्द यदि दोबारा आ जाता है तो वो किसका काम करता है, वो हमें ध्यान दें कि वो काम कर रहा है किसका, पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर पल, इसका क्या हो जाएगा, हर पल, यानी यहां पूर्ण रूप से पुनरावृत्ति हुई है। और अपन कहें रातों रात, रातों रात, तो यहां पर रातों रात में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, रात ही रात में। जैसे अपन कहें गांव गांव, गांव गांव, तो गांव गांव में क्या हो जाएगा, गांव में ही, गांव में ही हो जाएगा। जैसे हो जाए शहर शहर, शहर और शहर, तो यह शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कहें बीचों बीच, बीचों बीच, हाथों हाथ, हाथों हाथ। और आजकल हम कहें, ये तो क्या है कि ऐसे शब्द हैं, लेकिन आजकल देशज शब्दों के भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस प्रकार के भी आज हम पढ़ते हैं, जैसे भागम भाग, भागम भाग शब्द आया, होड़ा होड़ी शब्द आया, होड़ा होड़ा होड़ी शब्द आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर होड़ा होड़ी में क्या देखें, ये जो शब्द आ रहे हैं भागम भाग, होड़ा होड़ी, देखा देखी, चला चली, तो ये जो इस प्रकार के शब्द आते हैं ये कौन से शब्द होते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्दों के उदाहरण भी आजकल हमें जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन पे भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का यदि कोई उदाहरण आता है तो वहां पर क्या देखना है, अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं ये। इस प्रकार से हमारा अव्ययभाव समास होता है। एक बार हम फिर से इसकी चर्चा करें, इसकी पुनरावृत्ति करें। ये देखें कि अव्ययभाव समास में हमने चार बातें यहाँ पे देखी कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि इस समास के अंतर्गत हमने ये पाया कि इसका पहला या दूसरा पद क्या हो सकता है, अव्यय हो सकता है। और ये भी हम देख सकते हैं कि इस समास की अंतर्गत शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। और शब्दों की पुनरावृत्ति की बात के बाद हम करें कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो पहले पद के रूप में आकर के यहाँ अव्ययभाव समास को बना देते हैं, और कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो विशेषता बताने लग जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। देखिए दोस्तों अपना अव्ययभाव समास होने के बाद दूसरे नंबर पे अपना आता है तत्पुरुष समास। अब हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास की कुछ विशेषताओं की बात यहाँ पे करें तो इसकी देखिए पहली विशेषता क्या बन जाती है। तत्पुरुष समास की पहली विशेषता ये बनती है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो इस समास में पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और विग्रह करते हैं तो उनका प्रयोग हो जाता है। और तीसरी बात यहां पे करें कि यहां ये देखें कि इस समास में उत्तर पद के अनुसार
उत्तर पद के अनुसार लिंग व वचन, लिंग व वचन का प्रयोग होता है। लिंग व वचन का प्रयोग कौन से पद के अनुसार होता है? उत्तर पद यानी दूसरे पद के अनुसार। कैसे? यहां पर हम बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ गया ऋषि कन्या, ऋषि कन्या जा रही है, ऋषि कन्या जा रही है। यहां पर हम क्या देखें? देखो ऋषि कन्या जा रही है, इसमें क्या मिला अपन को? यहां ऋषि कन्या, पहला पद अपना ऋषि है, दूसरा पद अपना यहां पे क्या है? कन्या। अब ऋषि तो पुल्लिंग है और कन्या है यहां पे स्त्रीलिंग। तो यहां पर हम ये देखें कि हमारी जो क्रिया आई है ये प्रथम पद के अनुसार आई है या द्वितीय। ये तो हमारा हो गया प्रथम पद और ये हमारा हो गया द्वितीय पद। हमें ये देखना है कि हमारी यहां पे जो क्रिया आई है ये क्रिया किसके अनुसार आई है? प्रथम पद के अनुसार आई है द्वितीय? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये क्रिया दूसरे पद के अनुसार आई है। तो यहां कौन सा पद प्रधान हुआ? दूसरा पद प्रधान हुआ। दूसरे पद के अनुसार इसमें लिंग वचन का प्रयोग होता है, ये बात हमको ध्यान से देखना है। अब हम देखिए तत्पुरुष समास के कुछ भेदों की यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। किसके आधार पर किए गए हैं? कारक चिन्हों के आधार पर। वैसे हमारे कारक क्या होते हैं? कारक 8 होते हैं, लेकिन यहां तत्पुरुष समास में केवल 6 ही कारकों का प्रयोग किया गया है। तो कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये बात अपन को यहां से ध्यान से देखनी है। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे देखिए किसकी, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कर्म कारक। एक नंबर पे हम बात करें कर्म कारक, और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक तत्पुरुष समास। तो कर्म कारक में हमें सबसे पहले कुछ चीजों की यहां पे बात करें कि उनके आधार पे हम इस समास को पकड़ें, कि कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनका विग्रह करने में बड़ा सटीक ऑप्शन हमें चारों में से विकल्प जो है वो इतना नजदीक दिखता है कि वहां पर ए भी लगेगा तो बी भी लगेगा। कारण क्या है? जैसे अपने पास शब्द आ गया वन गमन, वन गमन जैसे शब्द आया अपने पास, तो यहां पर ध्यान दें वन गमन में विग्रह में एक तो मिलेगा वन, वन में गमन, और एक विग्रह मिलेगा वन को गमन, वन को गमन। इस संशय को हम कैसे दूर करें? यानी हमें वहां ऑप्शन में वन में गमन भी सही लगने लग जाता है और वन को गमन भी। तो इसके लिए अपने पास एक यहां पर यह चीज देखनी है कि यदि दूसरा पद यहां पे कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, उन शब्दों को विशेष तौर पे रखें तो उनसे हमें इसका सही आइडिया हो जाएगा कि यहां पे कौन सा समास बन रहा है। तो एक तो गमन, गमन आगमन गते, गते आगते, गमन आगमन गते आगते। फिर है तोड़ मार कतरा कतरा, गमन आगमन गत आगत तोड़ मार कतरा, और फिर है उन्मुख, उन्मुख शब्द मिल जाए। तो वहां पर हमें यह देखना है कि निश्चित तौर पे हमारा जो समास होगा वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? करक कारक, ये तो इसको क्या बोलेंगे? कर्म तत्पुरुष समास बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसके उदाहरणों की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जैसे अपने पास शब्द आया वन गमन, तो दूसरा पद यदि इनमें से कोई भी आ जाए तो वहां पर हमें निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि विभक्ति को का ही प्रयोग करना चाहिए। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए? को का करना चाहिए। जैसे यहां पे आया वन गमन, तो दूसरा पद यहां पे गमन आ रहा है, तो गमन आने पर ये मान लो कि वहां में विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां को विभक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण आ गया हस्तगत, हस्तगत ये आया, और हस्तगत में अपन को कहे कि इसका विग्रह क्या होगा, तो एक तो ये भी हो सकता है कि हस्त में गत, हस्त से गत, या हस्त को गत। तो यहां पर ये देखें कि दूसरा पद गत आ रहा है, तो दोनों पदों के मध्य क्या करना है? को विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये क्या बन जाएगा? हस्त को
गत बनेगा, हस्त को गत। जैसे अपने पास शब्द आ गया जेब कतरा, शब्द आया जेब कतरा। अब जेब कतरा में दूसरा पद देखो, यहां पे कतरा आ गया तो क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला। अगर कतरा शब्द आ गया तो वहां पर मान लो कि दूसरा पद कतरा आ रहा है, तो वहां पर विभक्ति को का ही प्रयोग करें, और को का प्रयोग करेंगे तो वो कर्म तत्पुरुष समास से बन जाता है। देखिए इनके अलावा हम अन्य उदाहरणों की यहां पे चर्चा करें, जैसे अपन बात करें, यह आ गया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त आ गया। तो यहां पर एक शब्द हम और जोड़ रहे हैं, इन्हीं शब्दों के अंदर देख लो कि एक प्राप्त शब्द भी यदि आपको मिल जाए तो वहां पर भी को विभक्ति का ही प्रयोग करना है। प्राप्त शब्द अगर मिल जाता है तो इसका देखो क्या बनेगा, यह बनेगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी विभक्ति क्या आई यहां पे, को आई। जैसे अपन को यह न देकर के ये दे दिया जा रहा है कि यश प्राप्त शब्द दे दिया, यश प्राप्त, तो यश प्राप्त में क्या करना है, तो ये क्या बन जाएगा, यश विभक्ति को का प्रयोग करें, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ये हो जाएगा। जैसे अपने पास शब्द आ गया चिड़ी मार, मार शब्द जहां पर भी आ जाए तो चिड़ी को मारने वाला, यहां पे क्या बनेगा, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला यहां पे बन जाएगा, यानी को विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अपने पास शब्द आ जाए जैसे विकासोन्मुख, विकासोन्मुख, विकासोन्मुख में देखें अब टुकड़ा करेंगे तो इसका क्या बनेगा, विकास प्लस उन्मुख, दूसरा पद उन्मुख जहां पर भी आ जाता है तो वहां पर हम ध्यान दें कि को विभक्ति का ही प्रयोग करें, तो यह क्या बनेगा, विकास को उन्मुख शब्द यहां पे बनेगा। तो हमें यह देखना है कि मार आ जाए, तोड़ आ जाए, जैसे मुंह तोड़ आ गया या कमर तोड़ आ गया, अपन कहें कमर तोड़, अगर दूसरा पद तोड़ के रूप में आ रहा है तो इसका विग्रह बन जाएगा कमर को तोड़ने वाला, इसका विग्रह बनेगा। कहने का मतलब कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहां पर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ये बात हमको यहां देखनी है। अपन को एक बार मैं फिर से बता देता हूं, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि विभक्ति कभी भी आपकी गलत नहीं होगी और विग्रह को छांटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखें गमन शब्द आ जाए, जैसे वनगमन वगैरह आ गया, आगमन शब्द आ जाए, गत आ जाए, आगत आ जाए, तोड़ आ जाए, मार आ जाए, कतरा आ जाए, उन्मुख आ जाए, प्राप्त आ जाए, और तो ये शब्द जहां पर भी आ जाते हैं तो मान लो कि हमें पदों के मध्य क्या करना है, पदों के मध्य हमें को विभक्ति का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं इसके अगले भेद की, तो कर्ता के बाद आता है करण। कर्ता के बाद देखिए करण में क्या होता है, करण तत्पुरुष में हमें यह देखना है कि करण की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा इसका क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक बात। अब यहां पर यह देखना है कि से या के द्वारा का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखें कि एक तो यात्रा शब्द जहां पर भी जुड़ जाए, तो यात्रा शब्द अगर दूसरा पद, वही शर्त है, अगर दूसरा पद अगर ये आ जाए, एक तो यात्रा शब्द आ जाए, तो यात्रा शब्द आ जाए तो मान लें कि वहां पर हमें के या से का प्रयोग करना है। एक रचित शब्द आ जाए, रचित आ जाए या लिखित आ जाए, ये दोनों आ जाएं तो वहां पर मान लेना चाहिए कि हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। और इनसे किस प्रकार के बनेंगे, एक देखिए यहां पर जड़ित शब्द आ जाए, जड़ित, तो जड़ित शब्द में भी हमें मानना चाहिए कि वहां पर क्या करना है, हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना है। जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं तुलसीकृत शब्द आया, तुलसीकृत, तो हमारा एक शब्द यहां पे और यहां पे जुड़ गया, वो क्या बन गया, कृत। कृत आ जाए, रचित आ जाए, लिखित आ जाए, तो वहां पर से का प्रयोग होता है। जैसे तुलसी कृत शब्द आया, अब यहां पर दूसरा पद कृत आया है, तो कृत जहां पर भी आ जाता है वहां पर हमें ध्यान देना है कि कृत आते ही हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत शब्द आ जाएगा। अब अपन बात करें जैसे हस्तलिखित, अब लिखित शब्द आते ही हम कह सकते हैं हाथ से या हस्त से, यानी पदों का तत्सम रूप है तो उसको तत्सम रूप ही रखना चाहिए, उसका पर्याय नहीं रखना चाहिए। यह भी एक विग्रह के दौरान नियम होता है,
कि यहां हस्त शब्द यदि तत्सम है तो अपन को यहां पर हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तद्भव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहां हस्त से लिखित, से के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, से के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, के द्वारा का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो हस्त लिखित का क्या हो जाएगा, हस्त से या के द्वारा। अब यहां पर देखो जैसे शब्द आ गया रत्न जड़ित, रतिन रत्न जड़ित शब्द आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रत्नों से जड़ित शब्द यहां पर बन जाएगा। जड़ित जहां पर भी हो जाए तो वहां पर वो मणि जड़ित हो चाहे पुष्प जड़ित हो, पुष्प जड़ित में क्या हो जाएगा, पुष्पों से जड़ित हो जाएगा। यानी जड़ित शब्द दूसरे रूप में आ रहा है। यात्रा की बात करें जैसे अपने पास ये आ गई यहां पे बस यात्रा या रेल यात्रा, रेल यात्रा शब्द आया, दूसरा पद यदि यात्रा का आ रहा है तो क्या बनेगा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल की यात्रा नहीं होता है, क्या बनेगा, रेल के द्वारा यात्रा बनेगा इसका विग्रह। यानी यहां पर के लिए के द्वारा का प्रयोग होगा, रेल के द्वारा यात्रा, बस यात्रा, कार यात्रा, जो भी हम कहें यात्रा शब्द आते ही क्या हो जाएगा। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहां तीन चार शब्द होते हैं, यात्रा, रचित, लिखित, जड़ित और कृत। यहां पर ये अगर मिल जाएं तो कहां मिल जाएं, ये भी ध्यान देना है, दूसरे पद के रूप में। ये जो हम पद लिख रहे हैं ये कौन से पद पे आने चाहिए, दूसरे पद पे आने चाहिए। अगर दूसरे पद में ये चीजें आ रही हैं तो हमें विग्रह करते समय ध्यान देना चाहिए कि केवल हमें से या के द्वारा का ही प्रयोग करना चाहिए, बाकी किसी अन्य का नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपने यहां पर देखिए दो भेदों की बात हुई, तत्पुरुष के दो भेद हमने यहां पर किए। पहला अपन ने क्या किया, करण तत्पुरुष, और दूसरा यहां पे क्या किया, करण तत्पुरुष। तो दोनों समासों में मैंने जो द्वितीय पद के लिए कुछ चुनिंदे शब्द लिखे हैं उन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उन्हीं से बनकर के कोई ना कोई प्रतियोगिता परीक्षा में अपने सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसको विग्रह करने में कभी गलती नहीं होगी। आज इतना ही होगा दोस्तों, और कल हम आगे के इनके भेदों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। डेट पहला से भाई 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन, समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटी से करना चाहिए। तेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया, जबरदस्त उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं,
तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।